हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। टेस्ट एनजी ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम टेस्ट एनजी एनोटेशंस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। टेस्ट एनजी सीरीज सेशन 3 में हमें डिस्कस करना है एनोटेशंस। तो टेस्ट एनजी में एनोटेशंस जो होते हैं वो यूनिक आइडेंटिफायर कह लीजिए या यूनिक कोड कह लीजिए, जो टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क को इंस्ट्रक्शन देने के लिए होता है। मैं एक बार यहाँ पे इसका डेफिनेशन राइट कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। टेस्ट एनजी एनोटेशन आर लाइन ऑफ कोड, या फिर आप लाइन ऑफ कोड कह लीजिए, या फिर यूनिक कोड आइडेंटिफायर एडेड टू द प्रोग्राम टू स्पेसिफाई हाउ द बिलो प्रोसीजर या मेथड, जो भी आप कह सकते हैं, शैल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये समझ आया? जैसे ये हमारा एक मेथड है, अभी इसको मैं यहां से डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक टेस्ट मेथड है, नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल एक मेथड है, टेस्ट मेथड भी नहीं है, नॉर्मल एक मेथड है। ठीक है, जावा मेथड है। अब टेस्ट एनजी एनोटेशन अगर हमें यूज करना होगा तो वो कैसे करेंगे? तो इस नॉर्मल मेथड के ऊपर यहाँ पे हम एट द रेट साइन यूज करेंगे, और फिर जो भी हमारा एनोटेशन होगा उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। जो भी एनोटेशन होगा, टेस्ट एनजी में बहुत सारे एनोटेशन होते हैं, मैं आप लोगों को सारे बताऊं, जो भी एनोटेशन होगा। अब इस एनोटेशन के बेसिस पे, यहाँ पे जो भी एनोटेशन हमने राइट किया है, इस एनोटेशन के बेसिस पे, इस कोड यूनिक आइडेंटिफायर कोड के बेसिस पे टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा कि ये जो मेथड है इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। हर टेस्ट एनजी एनोटेशन का अलग अलग पर्पस होता है। ठीक है, अभी मैं सारे बताऊंगी आप। तो इस एनोटेशन के बेसिस पे टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क है, वो ये आइडेंटिफाई करेगा, वो ये समझेगा कि इस मेथड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इस मेथड का क्या पर्पस है। ठीक है, टेस्ट एनजी में बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे एनोटेशंस हैं। तो टेस्ट एनजी वेबसाइट पे बहुत सारे दिए हुए, मैंने उसको ही ओपन किया, मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ वो। तो ये है testng.org एनोटेशंस का लिंक, ये लिंक मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये सारे एनोटेशंस अवेलेबल है टेस्ट एनजी में, बिफोर स्वीट, आफ्टर स्वीट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, बिफोर ग्रुप्स, आफ्टर ग्रुप्स, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड। ठीक है, अब इन सारे मेथड्स को हम एक एक करके समझेंगे, इन सारे मेथड्स को हम एक एक करके समझेंगे। इन ये जो ये जितने भी आपको एनोटेशंस दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इन सबका एक, ये सारे एनोटेशंस एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होते हैं, इनका एक ऑर्डर है एग्जीक्यूशन का। अब इसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को ना हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है, अब यहां पे देखिए, बिफोर सूट आफ्टर सूट, बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड, और ये है टेस्ट एनोटेशन, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एट द रेट टेस्ट एनोटेशन को यूज किया था, क्योंकि टेस्ट एनजी में किसी भी मेथड को टेस्ट मेथड डिक्लेयर करने के लिए उसके साथ हमें, उसके ऊपर हमें एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यूज करना मैंडेटरी है, अदरवाइज टेस्ट एनजी उसको टेस्ट मेथड कंसिडर नहीं करेगा। तो किसी भी मेथड को अगर हमें टेस्ट मेथड बनाना है तो हमें उसके ऊपर एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यूज करना है। ठीक है, तो ये वाला एट द रेट टेस्ट एनोटेशन तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अब आज के सेशन में बाकी के जितने भी हमारे एनोटेशन हैं, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है, वो इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब इन सबको एक एक करके समझते हैं तो आपको ये जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब प्रैक्टिकल करके समझेंगे कि जितने भी हमारे टेस्ट एनोटेशंस हैं उनका क्या क्या पर्पस होता है और उनका सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो प्रैक्टिकल के लिए हम ओपन कर लेते हैं एक्लिप्स आईडी। तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास आइकन है एक्लिप्स आईडी का, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और ये वर्क स्पेस हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। तो आज के प्रैक्टिकल डेमो के लिए भी हम सेम इसी वर्क स्पेस को यूज कर लेते हैं और इसको हमने कर दिया लॉन्च। और ये टेस्ट एनजी डेमो, ये प्रोजेक्ट, ये एक मेवन प्रोजेक्ट है, ये भी हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया।
तो आज का प्रैक्टिकल भी हम इसी एसटीएनजी प्रोजेक्ट में करेंगे, ये एक मेबर्न प्रोजेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ओपन करना है एसआरसी टेस्ट जावा, ये फोल्डर, इसमें ये डेमो पैकेज हम लोगों ने पहले के सेशन में प्रैक्टिकल डेमो के लिए क्रिएट किया था, तो इसी पैकेज में आज के सेशन का जो भी जावा कोड राइट करना है हमें, उसके लिए हमें क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो इस डेमो पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट एनजी एनोटेशन, ठीक है। और टेस्ट एनजी में हमें मेन मेथड नहीं चाहिए होता है, तो हमें ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक नहीं करना है, और इसको हमने कर दिया फिनिश। तो प्रैक्टिकल के लिए जावा कोड राइट करने के लिए हमने क्या किया, डेमो पैकेज के अंदर एक क्लास क्रिएट किया है टेस्ट एनजी एनोटेशन के नाम से, और हमने इसमें मेन मेथड ऐड नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना है दो टेस्ट मेथड, दो टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे टेस्ट मेथड क्रिएट, तो पहले तो हम नॉर्मल मेथड क्रिएट कर लेंगे, एक जावा मेथड क्रिएट करेंगे, फिर उसको हम टेस्ट मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल जावा मेथड क्रिएट कर लेते हैं, void test method one, ठीक है, ये हमारा पहला टेस्ट मेथड हो गया। इसी को कॉपी करके हम एक और टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट मेथड टू, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी राइट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज टेस्ट मेथड वन, सेम प्रिंट स्टेटमेंट हम टेस्ट मेथड टू में भी ऐड कर लेते हैं, दिस इज टेस्ट मेथड थ्री। अभी क्या है, अभी ये जो टेस्ट मेथड वन और ये जो टेस्ट मेथड टू है, ये है नॉर्मल जावा मेथड। अब हमें इसको बनाना है टेस्ट एनजी मेथड, तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे हम एट द रेट, जिस भी मेथड को हमें टेस्ट एनजी मेथड बनाना है, टेस्ट मेथड बनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, मेथड के ऊपर यहाँ पे एट द रेट टेस्ट एनोटेशन राइट करना है, ठीक है। टेस्ट मेथड टू को भी हम टेस्ट मेथड क्रिएट कर डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे एट द रेट टेस्ट मेथड। अब टेस्ट मेथड वन और टेस्ट मेथड टू, ये दोनों बन गया है टेस्ट मेथड, ठीक है। टेस्ट एनजी में किसी भी जावा मेथड को हमें अगर टेस्ट मेथड बनाना होता है, तो हमें क्या करना होता है, एट द रेट टेस्ट मेथड राइट करना होता है टेस्ट मेथड के ऊपर, ठीक है। साथ साथ इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, इम्पोर्ट ऑल डॉट टेस्ट एनजी डॉट एनोटेशन, ठीक है। अभी हमारे पास दो टेस्ट मेथड क्रिएट हो गए हैं टेस्ट एनजी एनोटेशन क्लास में। अब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, दोनों टेस्ट मेथड एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना, करके देखें, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, दोनों टेस्ट मेथड यहाँ पे एक साथ एग्जीक्यूट हो गए, दिस इज टेस्ट मेथड वन, दिस इज टेस्ट मेथड टू। अभी हमने इसको क्लास से एग्जीक्यूट किया है, आप चाहे तो इसको XML फाइल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लास्ट सेशन में किया था ना हमने कैसे क्रिएट करना है टेस्ट एनजी XML फाइल, सबको पता है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कि टेस्ट एनजी में XML फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। XML फाइल कैसे क्रिएट करना है मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताती हूँ, तो लास्ट सेशन में जो XML फाइल हमने क्रिएट किया था, इसको मैं पहले कर देती हूँ डिलीट। अब XML फाइल क्रिएट करने के लिए हमें प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, और फिर हमें जाना है टेस्ट एनजी एंड देन कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, ये देखिए ये है टेस्ट एनजी डॉट XML फाइल, बाय डिफॉल्ट ये प्रोजेक्ट लोकेशन में क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा स्वीट का नाम, जो भी स्वीट का नाम देना है आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा टेस्ट का नाम, जो भी स्वीट का नाम आप यहाँ पे देंगे, वही स्वीट का नाम आपको XML फाइल के यहाँ पे स्वीट नेम टैग में भी मिलेगा। जो टेस्ट का नाम आप यहाँ पे देंगे टेस्ट नेम में, वही टेस्ट का नाम आपको XML फाइल के ये टेस्ट नेम टैग में भी मिलेगा, ठीक है। बस इसके बाद आपको फिनिश पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, और ये आपका XML फाइल जनरेट हो गया विजार्ड के थ्रू। आप चाहे तो ये XML फाइल आप मैन्युअली भी XML टैग्स यूज करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी करके आप क्रिएट कर सकते हैं।
अब इस एक्सएमएल फाइल को ओपन कर लेते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए तीन जो क्लासेस हमारे पास प्रोजेक्ट में है वो तीनों क्लासेस यहाँ पे इंक्लूड हो गई है। अभी तीनों क्लासेस में जो भी टेस्ट केसेस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। आपको किसी क्लास को एक्सक्लूड करना है तो उसको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें ये क्लास फर्स्ट टेस्ट केस और सेकेंड टेस्ट केस आज के सेशन में नहीं चाहिए, इनके टेस्ट केसेस की अभी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और ये भी नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ टेस्ट एनजी एनोटेशन वाला सिर्फ इसी क्लास के टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो ये भी मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारे क्लासेस में सिर्फ एक ही क्लास यहाँ पे इंक्लूडेड है, एक ही टेस्ट क्लास इंक्लूडेड है, डेमो ये पैकेज का नाम और फिर यहाँ पे क्लास का नाम। ठीक है, ये पैकेज का नाम और फिर ये टेस्ट एनजी एनोटेशन डॉट जावा ये क्लास का नाम। यहाँ पे आपको फाइल का एक्सटेंशन नहीं देना है, सिर्फ क्लास का नाम देना है। ठीक है, पैकेज का नाम डॉट क्लास का, इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस। अब टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे, बस इसी पर राइट क्लिक करेंगे, रन एज टेस्ट एनजी सुइट। अभी एज ए सुइट रन होगा, सुइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, अब एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं टेस्ट एनोटेशन डॉट जावा के टेस्ट केसेस को, राइट क्लिक करते हैं रन एज टेस्ट एनजी सुइट। अब यहाँ पे है कुछ एरर, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, हमारे जावा क्लास में कुछ एरर है। अच्छा ओके, हमने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट नहीं किया, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट ऑल डॉट टेस्ट एनजी डॉट एनोटेशन। राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी सुइट। ये देखिए हमारे टेस्ट क्लास में दो टेस्ट मेथड है, दो टेस्ट केसेस है, दोनों एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जब हमने टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया है तो इस क्लास में जो दो टेस्ट केसेस हैं दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो गए। ठीक है, अब हमारी कोई अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें कुछ हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कुछ सेटअप मेथड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेस्ट मेथड वन है इसको एग्जीक्यूट करने से पहले भी हमें एक सेटअप मेथड एग्जीक्यूट करना है, और टेस्ट मेथड टू के एग्जीक्यूशन से पहले भी हमें एक सेटअप मेथड एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारा आएगा टेस्ट एनजी एनोटेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक सेटअप मेथड क्रिएट कर लेते हैं, void setup। अभी हमारा हो गया मेथड, यहाँ पे भी एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज सेटअप मेथड। ठीक है, पर हम चाहते हैं कि ये जो एक सेटअप मेथड हमने क्रिएट किया है ये हर टेस्ट मेथड से के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है एनोटेशंस बिफोर मेथड, बिफोर मेथड, तो इस मेथड को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे एट द रेट बिफोर मेथड, और इसका हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं बिफोर ऑल डॉट टेस्ट एनजी एनोटेशन बिफोर में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब भी हम इस क्लास के टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे तो हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने यूज किया है टेस्ट एनोटेशन बिफोर मेथड। ठीक है, बिफोर मेथड क्या करता है, हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होता है। जिस भी मेथड को आप डिक्लेयर करोगे एनोटेशन से एट द रेट बिफोर मेथड एनोटेशन से, तो वो मेथड हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो इसको आप चाहे तो एक्सएमएल फाइल से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर आप यहां से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्लास से भी, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब यहाँ पे आउटपुट देखिए, दिस इज सेटअप मेथड, पहले ये जो बिफोर मेथड या सेटअप मेथड है पहले वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद दिस इज टेस्ट मेथड वन। ठीक है, तो टेस्ट मेथड वन के एग्जीक्यूशन से पहले ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि हमने इसको बिफोर मेथड डिक्लेयर किया है। तो इस क्लास में जितने भी टेस्ट केसेस होंगे, जितने भी टेस्ट मेथड्स होंगे, उन हर टेस्ट मेथड से पहले सेटअप मेथड
एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने उसको बिफोर मेथड डिक्लेयर किया है, उसके आगे हमने यहाँ पे एट द रेट बिफोर, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एट द रेट बिफोर एनोटेशन, बिफोर मेथड एनोटेशन यूज किया है। ठीक है, फिर देखिए दिस इज सेटअप मेथड, मेथड पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मेथड टू एग्जीक्यूट हुआ है। तो टेस्ट मेथड वन के एग्जीक्यूशन से पहले भी बिफोर मेथड सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, और टेस्ट मेथड टू के एग्जीक्यूशन से पहले भी बिफोर मेथड सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारे पास होता है ये आफ्टर मेथड। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ एग्जिट कोड राइट करना है, टीयर डाउन कोड राइट करना है, तो उसको आप आफ्टर मेथड में राइट कर सकते हो। जैसे कि टेस्ट केस आपका कंप्लीट हो गया है, टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन के बाद अगर आपको कुछ क्लोज करना है, कुछ फाइल क्लोज करनी है, तो वो आप टीयर डाउन मेथड में राइट कर सकते हो और उसको आप आफ्टर मेथड डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको, वॉइड टीयर डाउन दिस इज टीयर डाउन मेथड। तो अब क्या होगा, अब इसको हमें, अब ये तो हमने यहाँ पे सिंपल मेथड क्रिएट किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो सिंपल मेथड हमने क्रिएट किया है, जावा मेथड जो हमने क्रिएट किया है, ये हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद हो। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एट द रेट, इसके ऊपर हम यहाँ पे एट द रेट आफ्टर मेथड राइट कर देंगे। तो आफ्टर मेथड एनोटेशन क्या करेगा, इसका पैकेज भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आफ्टर मेथड, जिस भी मेथड के ऊपर आप एट द रेट आफ्टर आफ्टर मेथड एनोटेशन यूज करोगे, वो मेथड हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एंट्री टेस्ट। ये देखिए टेस्ट मेथड वन के एग्जीक्यूशन से पहले सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ और टेस्ट मेथड वन के एग्जीक्यूशन से के बाद टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट। ठीक वैसे ही टेस्ट मेथड टू के एग्जीक्यूशन से पहले सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हुआ और टेस्ट मेथड टू के एग्जीक्यूशन के बाद ये टीयर डाउन मेथड एग्जीक्यूट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड का क्या पर्पस होता है। बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड, ये है इसका ऑर्डर। हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा और हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी इसका डेफिनेशन लिखा है, बिफोर मेथड एंड आफ्टर मेथड, testng.org/annotations.html। इस लिंक को मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए बिफोर मेथड, द एनोटेटेड मेथड विल बी रन बिफोर ईच टेस्ट मेथड। ठीक है, अब आपको मतलब समझ आ रहा होगा। और आफ्टर मेथड, द एनोटेटेड मेथड विल बी रन आफ्टर ईच टेस्ट मेथड। ठीक है, तो जिस भी मेथड को अगर आपने बिफोर मेथड से एनोटेट किया है, तो वो मेथड हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपने किसी मेथड को एनोटेट किया है आफ्टर टेस्ट आफ्टर आफ्टर मेथड से, तो वो मेथड हर टेस्ट मेथड के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना, इजी और सिंपल। यहां आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो एट द रेट टेस्ट वाले जो मेथड्स हैं, टेस्ट मेथड वन एंड टेस्ट मेथड टू, ये दोनों सिर्फ एक एक बार ही एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ये दोनों सिर्फ एक एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन आफ्टर टेस्ट मेथड और बिफोर टेस्ट मेथड एंड आफ्टर टेस्ट मेथड, ये दोनों मल्टीपल टाइम्स रिपीट एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी टेस्ट मेथड्स होंगे, हर टेस्ट मेथड के पहले बिफोर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा और हर टेस्ट मेथड के बाद आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं कि इस क्लास में, ये टेस्ट एनजी एनोटेशन, ये जो क्लास है, इस क्लास में जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं, इन सारे टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन से पहले हमें कोई मेथड एग्जीक्यूट करना है, हमें कुछ सेट ऑफ स्टेप्स करने हैं, कोई मेथड एग्जीक्यूट करना है, और
सारे टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन के बाद भी हमें कुछ सेट ऑफ स्टेप्स लेने हैं, कुछ मेथड एग्जीक्यूट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमारे पास एनोटेशन है बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास, बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। अगर हम किसी मेथड को एनोटेट करेंगे एज अ बिफोर क्लास, तो वो टेस्ट वो मेथड उस क्लास के टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होगा। और जब हम किसी मेथड को एट द रेट आफ्टर क्लास से एनोटेट करेंगे, तो वो मेथड उस क्लास के सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब इस क्लास में हमारे पास दो टेस्ट मेथड्स हैं, टेस्ट मेथड वन एंड टेस्ट मेथड टू। ठीक है, तो इन दोनों टेस्ट मेथड्स के, अभी तो इसमें दो ही टेस्ट मेथड है, ज्यादा भी मेथड्स हो सकते हैं, अभी हमारे पास दो ही टेस्ट मेथड्स हैं। तो इस क्लास में जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं उनके एग्जीक्यूशन से पहले हमें किसी एक मेथड को एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पे हम एक टेस्ट मेथड, यहां पे हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, void before class method। ठीक है, before class method ही नाम दे देते हैं इसका। अभी अभी ये नॉर्मल जावा मेथड है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको बिफोर क्लास मेथड बनाना है, तो हमें इसको एनोटेट करना होगा एट द रेट बिफोर क्लास एनोटेशन से। ठीक है, और साथ साथ इसका हम पैकेज भी इंपोर्ट करेंगे, और यहां पे भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट कर देते हैं, दिस इज बिफोर क्लास मेथड। ठीक है, अब ठीक इसी तरह से एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, आफ्टर क्लास मेथड, जो इस क्लास के सारे टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। इसका नाम चेंज कर देते हैं आफ्टर क्लास मेथड, और इसको एनोटेट करेंगे आफ्टर क्लास एनोटेशन से, और साथ साथ इसका भी पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, और यहां पे इसका प्रिंट स्टेटमेंट भी चेंज कर देते हैं, दिस इज आफ्टर क्लास मेथड। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। आप चाहे तो एक्सएमएल फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास है, तो हम क्लास से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एग्जीक्यूट। अब ये देखिए इसका आउटपुट, ये रहा इसका आउटपुट। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, दिस इज बिफोर क्लास मेथड। सबसे पहले बिफोर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बिफोर क्लास मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, उस क्लास के टेस्ट मेथड्स के एग्जीक्यूशन से पहले। इसीलिए जो हमारा बिफोर क्लास मेथड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है। उसके बाद बिफोर मेथड, हर टेस्ट मेथड के पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होता है, तो ये हमारा बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ऐसा करती हूँ मैं, सबका नाम चेंज कर देती हूँ यहां पे ना, दिस इज सेटअप मेथड की जगह इसको ना मैं आफ्टर मेथड कर देती हूँ, दिस इज सॉरी बिफोर मेथड। तो प्रिंट स्टेटमेंट जो आ रहा है ना कॉन्सोल पे वो ज्यादा क्लियर रहेगा, और दिस इज टियर डाउन में दिस इज आफ्टर मेथड। अब इसको फिर से एक बार इस, अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा बिफोर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और फिर हर टेस्ट मेथड से पहले हमारा बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा, और हर टेस्ट मेथड के बाद आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, दिस इज वन सेट। ठीक है, टेस्ट मेथड वन के लिए पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर टेस्ट मेथड वन के लिए आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, फिर टेस्ट मेथड टू के लिए बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर टेस्ट मेथड टू के लिए आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। अब जब उस क्लास के सारे टेस्ट मेथड कंप्लीट हो गए, उस क्लास के सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, टेस्ट मेथड वन का भी कंप्लीट हो गया, टेस्ट मेथड टू का भी कंप्लीट हो गया,
तो फिर लास्ट में उस क्लास का आफ्टर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या है इसका सीक्वेंस, ये जो एनोटेशंस हैं इसका एग्जीक्यूशन का कैसा ऑर्डर है, कौन सा एनोटेशन किस लिए यूज किया जाता है। ये देखिए यहां पे लिखा है ना, बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास द एनोटेटेड मेथड विल बी रन बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मेथड इन द करेंट क्लास इज इनवोक्ड एंड आफ्टर क्लास द एनोटेटेड मेथड विल बी रन आफ्टर द टेस्ट मेथड इन द आफ्टर ऑल द टेस्ट मेथड आफ्टर ऑल द टेस्ट मेथड इन द करेंट क्लास हैव बीन रन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास। अगर इस क्लास में हमारे पास एक और टेस्ट मेथड आ जाए, सपोज कीजिए टेस्ट मेथड टू भी थ्री भी डाल देते हैं, टू को ही कॉपी कर लेते हैं और यहां पे हम थ्री डाल देते हैं, टेस्ट मेथड थ्री, दिस इज टेस्ट मेथड थ्री। तो ये जो आफ्टर मेथड है, ये जो आफ्टर मेथड है, सॉरी आफ्टर क्लास मेथड है, ये टेस्ट मेथड थ्री के भी एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये देखिए इसका आउटपुट, क्योंकि अब तीन टेस्ट मेथड हो गए ना, तो जब तक तीनों टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे क्लास के, तब तक आफ्टर क्लास मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब इस क्लास के सारे टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हो जाएंगे तभी आफ्टर क्लास मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही बिफोर क्लास मेथड क्लास के टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट होगा, जो पहला टेस्ट मेथड है उसके एग्जीक्यूशन से पहले होगा बिफोर क्लास मेथड, और सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद होगा आफ्टर क्लास मेथड। ठीक है, इसका आउटपुट भी देख लेते हैं, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, और ये रहा इसका आउटपुट। ठीक है, टेस्ट मेथड वन एग्जीक्यूट हो गया, टेस्ट मेथड टू हो गया, टेस्ट मेथड थ्री भी हो गया, और उसके बाद ये आफ्टर क्लास मेथड, और टेस्ट मेथड थ्री के बाद भी सॉरी टेस्ट मेथड थ्री के पहले और बाद बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले और आफ्टर मेथड हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम समझते हैं बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट, बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट। एट द रेट टेस्ट हमें समझ आ गया, बिफोर मेथड आफ्टर मेथड आ गया, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारा है बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट, तो वापस चलते हैं हम एक्लिप्स आईडी में, और इसको समझने के लिए हम यहां पे एक क्लास और क्रिएट कर लेते हैं, टेस्ट नोटेशन डॉट जावा, ये हमारा पहला क्लास था, यहां पे हम एक और क्लास क्रिएट कर लेते हैं। डेमो पैकेज पे राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, और यहां पे क्लास का नाम दे देते हैं टेस्ट एनोटेशन टू, टेस्ट एनजी एनोटेशन कर देते हैं, टेस्ट एनजी एनोटेशन टू। ठीक है, और हमें इसमें मेन मेथड नहीं चाहिए, इसको हमने फिनिश कर दिया। अब यहां पे ऐसा करते हैं, टेस्ट एनोटेशन वाली फाइल से हम ये सारा का सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि उस क्लास में भी हमें बिफोर क्लास चाहिए, बिफोर मेथड चाहिए और टेस्ट मेथड चाहिए, तो ये कोड कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हम मॉडिफिकेशन कर देंगे, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए बिफोर क्लास मेथड आ गया हमारा, बिफोर मेथड भी आ गया, और टेस्ट मेथड वन इसको कर देते हैं फोर, टेस्ट मेथड टू को कर देते हैं फाइव, और टेस्ट मेथड थ्री की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में भी टेस्ट एनजी एनोटेशन टू डॉट जावा, इस क्लास में हमारे पास दो टेस्ट मेथड हो गए, टेस्ट मेथड फोर एंड टेस्ट मेथड फाइव, और साथ ही साथ आफ्टर मेथड भी है और आफ्टर क्लास मेथड भी है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लें एक बार, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट, ये देखिए इसका आउटपुट। सबसे पहले बिफोर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर टेस्ट मेथड वन, अच्छा हमने इसके प्रिंट स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं किए हैं, टेस्ट मेथड फोर, और इसको करेंगे हम टेस्ट मेथड फाइव। अब एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। अब देखिए
सबसे पहले बिफोर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हमारा टेस्ट मेथड फोर का टर्न आया, लेकिन टेस्ट मेथड्स के पहले हमारा एग्जीक्यूट हुआ है बिफोर मेथड और टेस्ट मेथड फोर के बाद हमारा एग्जीक्यूट हुआ है आफ्टर मेथड। तो ये हमारा एक टेस्ट मेथड हो गया जिसके पहले बिफोर मेथड भी है और आफ्टर मेथड भी है। उसके बाद टेस्ट मेथड फाइव एग्जीक्यूट हुआ, टेस्ट मेथड फाइव के एग्जीक्यूशन से पहले हमारा बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ और फिर आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। और जब सारे टेस्ट मेथड्स का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया इस क्लास का, तो लास्ट में आफ्टर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें समझना है बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट। तो उसके लिए यहाँ पे हम testng.xml फाइल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास अभी एक ही क्लास इंक्लूडेड है। ये जो हमारा टेस्ट है, अभी हमने डिस्कस किया ना एक्सएमएल फाइल में क्या क्या होता है, testng की एक्सएमएल फाइल में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा स्वीट नेम आ गया, ठीक है, स्वीट नेम आ गया। स्वीट नेम के अंदर ये हमारा टेस्ट नेम आ गया, टेस्ट नेम के अंदर हमारी क्लासेस टैग आ गई। अब इस क्लासेस टैग के अंदर जितनी भी टेस्ट क्लासेस हैं हमें उनको ऐड करना है। तो अभी एक टेस्ट क्लास यहाँ पे एडेड है, अब हम यहाँ पे एक और टेस्ट क्लास ऐड कर देते हैं। इसी को मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया, यहाँ पे क्लास का नाम चेंज कर देते हैं testng एनोटेशन टू। अब हमारी दोनों क्लासेस यहाँ पे ऐड हो गई। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर जितनी भी हमारी टेस्ट क्लासेस हैं, इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो टेस्ट क्लासेस ही हैं, रियल टाइम में ज्यादा टेस्ट क्लासेस भी हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर जितने भी टेस्ट क्लासेस हैं, उन सारी टेस्ट क्लासेस के एग्जीक्यूशन से पहले हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, हमें कोई मेथड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, इन क्लासेस के एग्जीक्यूशन से पहले टेस्ट लेवल पे। ये है ना हमारा टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर मेरे पास क्लासेस हैं, तो इन क्लासेस के एग्जीक्यूशन से पहले हमें कोई मेथड एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम उस मेथड को एनोटेट करेंगे बिफोर टेस्ट मेथड से, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इन क्लासेस के एग्जीक्यूशन के बाद, ये जो हमारा टेस्ट टैग है, इस टेस्ट टैग में जितनी भी क्लासेस हैं, इन क्लासेस के एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमें किसी मेथड को एग्जीक्यूट करना है, तो उस मेथड को हम एनोटेट करेंगे आफ्टर टेस्ट मेथड से, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो उसके लिए तो हमें एक ऐसा मेथड कोई क्रिएट करना होगा जो एग्जीक्यूट हो इन सारे इन क्लासेस के एग्जीक्यूशन से पहले। तो किसी भी क्लास में आप क्रिएट कर सकते हो इन दोनों, ये जो दो क्लासेस हैं, इन दोनों क्लासेस में से किसी भी क्लास में आप क्रिएट कर सकते हो। बस रिक्वायरमेंट ये है कि उस मेथड के ऊपर आपको एट द रेट बिफोर टेस्ट और एट द रेट आफ्टर टेस्ट राइट करना होगा, ठीक है। तो टेस्ट एनोटेशन डॉट जावा में ही लिख लेते हैं, इसी में चल लेते हैं, यहां पे ही क्रिएट कर लेते हैं एक मेथड void बिफोर टेस्ट, ठीक है। और यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट आ गया, दिस इज बिफोर टेस्ट मेथड, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसको हमें एनोटेट करना है एट द रेट बिफोर टेस्ट एनोटेशन से, ठीक है। साथ साथ इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए, सारे जो जितने भी हमारे पैकेजेस हैं वो सारे एनोटेशंस डॉट के अंदर हैं। तो हम बार बार सारे अलग अलग पैकेजेस इंपोर्ट करने से अच्छा है कि हम एक बार ही इंपोर्ट कर लेते हैं डॉट स्टार लगा के, तो हमें ये सारे इंपोर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। अब इस एनोटेशंस के अंदर जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे इंपोर्ट हो गए, ठीक है। तो बिफोर टेस्ट भी आ गया इसी में। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे इसको हम बना देंगे पेस्ट करके आफ्टर टेस्ट। ये बिफोर टेस्ट था, यहां पे हम इसको कर देते हैं आफ्टर टेस्ट, इसका नाम चेंज कर देते हैं मेथड का आफ्टर टेस्ट एंड दिस इज आफ्टर टेस्ट, ठीक है। अब ये जो बिफोर टेस्ट मेथड है, ये जो हमारा टेस्ट है, ये हमारा टेस्ट है ना, इस टेस्ट
इस टेस्ट के एग्जीक्यूशन, इस टेस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं इन क्लास के एग्जीक्यूशन से पहले होगा। सबसे पहले ये बिफोर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये क्लास इस क्लासेस के टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और जब इन क्लासेस के टेस्ट मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेस्ट मेथड्स और आ गए, दो दो मेथड्स और आ गए, बिफोर टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करें एक्सएमएल फाइल, देखें इसका आउटपुट। राइट क्लिक, रन एज, टेस्ट एनजी टेस्ट, ये रहा इसका आउटपुट। ये देखिए, ये हमारे पूरे टेस्ट का आउटपुट है, ये हमारे पूरे टेस्ट का आउटपुट है। इसको हम टेस्ट एनजी रिजल्ट में देखते हैं, ये देखिए, ये हमारा टेस्ट हो गया। इस टेस्ट में हमारी दो क्लासेस हो गई, इन दोनों क्लास के अंदर के हमारे ये तीन टेस्ट मेथड हो गए। टेस्टिंग एनोटेशन के अंदर तीन टेस्ट मेथड है और टेस्टिंग एनोटेशन टू के अंदर हमारे दो टेस्ट मेथड है, ठीक है, ठीक है ना। अब चलते हैं कॉन्सोल पे। अब ये देखिए, अब बिफोर टेस्ट मेथड कब एग्जीक्यूट हुआ है, सबसे पहले क्लास के टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले, सबसे पहले हमारा बिफोर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद उस क्लास का टेस्ट एनोटेशन क्लास का बिफोर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर टेस्ट एनोटेशन क्लास के मेथड वन एग्जीक्यूट हुआ, और हर मेथड के पहले बिफोर मेथड और हर मेथड के बाद आफ्टर मेथड, फिर टेस्ट मेथड टू एग्जीक्यूट हुआ, हर मेथड के पहले बिफोर मेथड, हर मेथड के बाद आफ्टर मेथड, फिर टेस्ट मेथड थ्री एग्जीक्यूट हुआ, मेथड के पहले बिफोर मेथड और टेस्ट मेथड के बाद आफ्टर मेथड, ठीक है। और जब टेस्ट एनोटेशन क्लास के सारे मेथड्स कंप्लीट हो गए तो लास्ट में उस क्लास का आफ्टर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक इसी तरीके से टेस्ट एनोटेशन टू डॉट जावा क्लास का सबसे पहले बिफोर क्लास मेथड एग्जीक्यूट हुआ, फिर उस क्लास के जो दो टेस्ट मेथड्स हैं वो एग्जीक्यूट हुए, और हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है और आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना सबको। टेस्ट मेथड फाइव एग्जीक्यूट हुआ, अगर उसके पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट हुआ फिर आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ, और जब टेस्ट एनोटेशन टू डॉट जावा क्लास का सारा टेस्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो लास्ट में ये आफ्टर मेथड एग्जीक्यूट हुआ। और जब ये पूरा स्वीट, जब ये पूरे दोनों क्लासेस के टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए, जब दोनों क्लास के टेस्ट केसेस कंप्लीट हो गए, पहले क्लास का टेस्ट केसेस, पहले क्लास के जो तीन टेस्ट मेथड थे और दूसरे क्लास के जो दो टेस्ट मेथड थे, जब दोनों कंप्लीट हो गए, टेस्ट मेथड वन टू थ्री फोर फाइव सारे कंप्लीट हो गए, तो फिर लास्ट में ये आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो बिफोर टेस्ट मेथड सबसे पहले कंप्लीट हुआ टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले, और आफ्टर टेस्ट मेथड टेस्ट एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, अभी तो यहाँ पे जो हमारी एक्सएमएल फाइल में हमने यहाँ पे सिर्फ दो ही क्लासेस ऐड की, क्योंकि अभी हमने सिर्फ डेमो पर्पज के लिए लिया है, पर रियल टाइम में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती है, ठीक है। ऐसे एक दो क्लासेस नहीं होती, एक दो टेस्ट मेथड्स नहीं होती, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा टेस्ट, अब नेक्स्ट हमारा बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट। तो आप लोगों को इसका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस समझ आ रहा है ना एनोटेशन का, कि कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अभी बिफोर स्वीट और आफ्टर स्वीट को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए, अभी तो ये तो हमारा टेस्ट नेम था, जहां पे हमारा बिफोर टेस्ट मेथड और आफ्टर टेस्ट मेथड वर्क कर रहा था। अभी जो बिफोर स्वीट और आफ्टर स्वीट है वो इस स्वीट के लिए है, इस स्वीट के एग्जीक्यूशन से पहले अगर हमें किसी मेथड को रन करना है तो उसको हमें एनोटेट करना होगा एट द रेट बिफोर स्वीट से, और इस स्वीट के एग्जीक्यूशन के बाद अगर हमें किसी मेथड को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हमें एनोटेट करना होगा आफ्टर स्वीट एनोटेशन से, ठीक है। इसको भी करके देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसी में मॉडिफिकेशन करते हैं। अब बिफोर स्वीट की, बिफोर टेस्ट की जगह बिफोर स्वीट, और इसका नाम चेंज कर देते हैं फोर स्वीट एंड दिस इज बिफोर स्वीट, ठीक है। लिंक ऐसे ही आफ्टर स्वीट,
ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट एक्सएमएल फाइल से, राइट क्लिक, रन है। जो बिफोर स्वीट है वो इस स्वीट में जितने भी टेस्ट केसेस हैं, जितने भी टेस्ट हैं, उन सबके एग्जीक्यूशन से पहले होगा और आफ्टर सारे टेस्ट के एग्जीक्यूशन के बाद होगा। अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट है, पर रियल टाइम में मल्टीपल टेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए है ये बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट। इसको करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। तो ये देखिए बिफोर स्वीट एंड आफ्टर स्वीट। ऐसा करते हैं यहाँ पे हम एक और टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही टेस्ट है ना, एक और टेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, इसको कॉपी करके एक और टेस्ट क्रिएट, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं टेस्ट टू, और ये है हमारा टेस्ट वन, ठीक है, ये टेस्ट वन है और एक टेस्ट टू है। और इसमें जो हमने लास्ट सेशन में, पहले के सेशन में हमने जो क्लास क्रिएट किया था फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा, इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ही क्लास है, इसको डिलीट कर। अब यहां पे हमारे पास दो टेस्ट हो गए, टेस्ट वन और टेस्ट टू। तो अब क्या होगा, जो बिफोर स्वीट है वो इन दोनों टेस्ट के एग्जीक्यूशन से पहले होगा और जो आफ्टर स्वीट है वो इन दोनों टेस्ट के एग्जीक्यूशन से बाद होगा। अब एक बार देख लेते हैं फर्स्ट टेस्ट केस डॉट जावा में हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं। इसमें हमारे पास एक टेस्ट मेथड है सेटअप के नाम से, दूसरा टेस्ट मेथड है लॉगिन के नाम से, और तीसरा टेस्ट मेथड है क्लोज के नाम से, ठीक है, तीन टेस्ट मेथड्स। अब एग्जीक्यूट करते हैं एक्सएमएल फाइल के थ्रू टेस्ट केसेस को, स्वीट को, रन एज टेस्ट एनजी स्वीट। अब ये देखिए अभी हमारे पास दो, इस स्वीट के अंदर दो टेस्ट है, टेस्ट वन जिसमें हमारे पास दो टेस्ट क्लासेस हैं डेमो डॉट टेस्ट एनजी एनोटेशन, उसके अंदर ये तीन टेस्ट मेथड्स हैं, टेस्ट मेथड वन टू एंड थ्री। फिर दूसरी टेस्ट क्लास है डेमो डॉट टेस्ट एनजी एनोटेशन टू, इसमें हमारे दो टेस्ट मेथड हैं। और जो दूसरा टेस्ट है उसमें है सिर्फ एक ही टेस्ट क्लास डेमो डॉट फर्स्ट टेस्ट केस, जिसके हमारे पास तीन टेस्ट मेथड्स हैं। अब देखते हैं बिफोर स्वीट और आफ्टर स्वीट कब एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये देखिए बिफोर स्वीट मेथड, पूरे टेस्ट स्वीट के एग्जीक्यूशन से पहले एग्जीक्यूट हुआ है, और आफ्टर स्वीट मेथड पूरे टेस्ट स्वीट के एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट हुआ है। उस टेस्ट स्वीट में हमारे पास दो टेस्ट हैं, टेस्ट वन एंड टेस्ट टू। तो टेस्ट वन और टेस्ट टू, इन दोनों के जो सारे टेस्ट मेथड्स हमारे जब कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आफ्टर स्वीट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, और स्वीट के एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले इनफैक्ट जो स्वीट है हमारा, उसमें टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले बिफोर स्वीट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। मतलब स्वीट एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर स्वीट है और स्वीट एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर स्वीट मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा एनोटेशन क्या होते हैं। एट द रेट टेस्ट एनोटेशन किसी मेथड को टेस्ट मेथड डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं हम, और बिफोर मेथड हर टेस्ट मेथड के पहले एग्जीक्यूट होता है, और आफ्टर मेथड हर टेस्ट मेथड के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो बिफोर टेस्ट मेथड, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। जितने भी टेस्ट होंगे हर टेस्ट मेथड के पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा, और हर टेस्ट मेथड के बाद आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास, ये क्लास लेवल पे है, क्लास एग्जीक्यूशन के पहले बिफोर क्लास और क्लास एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर क्लास, ये भी एक एक बार एग्जीक्यूट होता है। क्लास एग्जीक्यूशन से पहले एक बार बिफोर क्लास होगा, और क्लास एग्जीक्यूशन के बाद एक बार आफ्टर क्लास होगा, ठीक है। बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट, ये भी दोनों भी एक एक बार एग्जीक्यूट होते हैं, पर ये दोनों टेस्ट लेवल पे हैं। टेस्ट, एक टेस्ट में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो उस टेस्ट के एग्जीक्यूशन से पहले बिफोर टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, और उस टेस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लासेस के सारे टेस्ट केसेस जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर आफ्टर टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी एक एक बार ही होता है, बिफोर स्वीट और आफ्टर स्वीट, ये स्वीट लेवल पे है। एक स्वीट में मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं, है ना। तो
तो स्वीट के स्टार्टिंग से पहले, स्वीट के एग्जीक्यूशन के स्टार्ट होने से पहले बिफोर स्वीट मेथड एग्जीक्यूट होगा, और स्वीट के एग्जीक्यूशन के बाद आफ्टर स्वीट मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो ये बिफोर स्वीट मेथड और आफ्टर स्वीट मेथड ये भी एक एक बार ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सिर्फ बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होता है टेस्टेड जीएमए रोटेशंस, क्या होता है इनका एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, क्या होता है इन सारे रोटेशंस का बिहेवियर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बनाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।